वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। इस समय मैं नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस की वेबसाइट के ऊपर हूँ। इसको हम NJIL एंड OMD भी बोलते हैं। ये एक ICMR का इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। और इस वेबसाइट के ऊपर आने के पीछे एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परमानेंट पोजिशंस निकली हुई हैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट देख लीजिए। हालाँकि ये वेबसाइट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो ये इसकी वेबसाइट है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो अपडेट होती हुई नज़र आएंगी। अब जैसे ही ये न्यूज़ स्क्रॉल हो रही हो, तो आप देख सकते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन, आई बिलीव येस, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आप एक नए PDF के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, और वो PDF मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले इस PDF को देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको कितनी पोस्ट हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिए कि वैकेंसी नोटिफिकेशन है ICMR NJIL के लिए, और ये नोटिफिकेशन 5 जुलाई को निकला था। यहाँ पे टेक्नीशियन की अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो 35 सीट्स हैं, और यहाँ पे 16 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी सारी रिजर्व्ड हैं। पे लेवल 2 फॉलो होगा यहाँ पे 19,900 से 63,200 के बीच में। लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की 10 सीट्स हैं, और इसमें से 4 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, बाकी सारी रिजर्व्ड के लिए है। पे लेवल 1 फॉलो होगा 18,000 से 56,900। टेक्निकल असिस्टेंट की पोजिशन 23 है, 10 अनरिजर्व्ड है, बाकी सारी रिजर्व्ड है। पे लेवल 6 फॉलो होगा 35,400 से लेकर के 112,400 के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 68 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 जुलाई 2023 है। अब इसकी सारी डिटेल्स समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखिए, सबसे अब सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट का कोड क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, पे लेवल क्या फॉलो होगा, कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट कोड, अगर मैं TECHLS की बात कर रहा हूँ, यानी कि टेक्नीशियन 1 लाइफ साइंस, यहाँ पे लेवल 2 फॉलो हो रहा था, जैसा कि पहले भी बताया था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 है, अनरिजर्व्ड की 9 सीट्स हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए MLT में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। अब इसके बाद जितनी भी सीट्स आई हुई हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो CSIT के लिए हैं, लेकिन अभी आगे कुछ परमानेंट पोजीशंस लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये पोस्ट कोड टेक्नीशियन की है, CSIT की, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगली पोस्ट टेक्नीशियन EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, उसके बाद टेक्नीशियन वेटनरी साइंसेज की, उसके बाद आप देख सकते हो टेक्नीशियन DCM की। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे लैब अटेंडेंट यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशन भी है। पे लेवल 1 फॉलो होता है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, अनरिजर्व्ड की 4 हैं, बाकी सारी रिजर्व, और यहाँ पे सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं। इसके अलावा आपके पास 1 साल का ITI से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोजीशन आई हुई है लाइफ साइंस की। यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 के बीच में पे लेवल है, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 13 हैं, अनरिजर्व्ड की 5 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फर्स्ट क्लास, और मिनिमम थ्री ईयर्स की बैचलर्स डिग्री आपके पास हो, यानी कि BSc के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है। अब उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट की MLT की पोजीशन आई हुई है, सेम वे में टेक्निकल असिस्टेंट की वेटनरी साइंसेज की पोजीशन आई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट की CSIT की पोजीशन आई हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन आई हुई है, और टेक्निकल असिस्टेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन की भी पोजीशन आई हुई है। अब अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देखें, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपके पास बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की में डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा।
या आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, बहुत जगह बीटेक बायोमेडिकल होता है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 1 है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रही है। अब आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई सेक्शन में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपको सारी डिटेल्स भरनी है और जहाँ पे आपको नहीं पता है या आपके लिए वो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या NA फिल कर दीजिए। पार्ट 2 में आपको अपना नेम, पोस्ट कोड और इसके अलावा नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जेंडर, कैटेगरी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ऑफिस फिल करके देगा। याद रखिएगा, आपको सिग्नेचर एडमिट कार्ड के ऊपर अभी नहीं करना है और वो रिटन टेस्ट के दौरान आपको करना होगा। ड्यूली कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को साथ में जोड़ करके आपको ये पोस्ट कर देना है। और याद रखिएगा, आपको एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट लिखना ना भूलिएगा। कहाँ पे किस एड्रेस के लिए पोस्ट करना है, द डायरेक्टर ICMR नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज, डॉक्टर M मियाजाकी मार्ग, ताजगंज, आगरा 28201। ये उसका एड्रेस है जहाँ पे पोस्ट करना है। और ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए ही जाना चाहिए, हैंड के थ्रू या आप जा कर के सबमिट नहीं कर सकते। लास्ट डेट 28/7 है, बता चुका हूँ मैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी ₹300। ये एप्लीकेशन फ़ीस आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप जमा कर सकते हैं, डायरेक्टर ICMR नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज आगरा, इनके फेवर में आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे सेंड कर देना है। SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को ये फ़ीस नहीं देनी है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या सेंड करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द OBC कैंडिडेट्स, OBC का सर्टिफिकेट, डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपॉइंटमेंट लेटर्स अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अदर्स, ये सारी डिटेल्स आपको सेंड करनी होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे MCQ बेस्ड एक पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे EWS के बारे में भी मेंशन है कि कितनी सीट्स वगैरह EWS के लिए होंगी। एज लिमिट मेंशनड है, एज लिमिट जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि एज लिमिट जो है वो 28/7/2023 को काउंट होगी सभी पोजीशंस के लिए। अगर कोई कैंडिडेट ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और अभी अभी कर रहा है, दैट मीन्स तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स को 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप बी पोजीशन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कोई भी TA/DA आपको नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में जाने के लिए। जो प्रोबेशन का टाइम है वो 2 साल का है और यहाँ पे ये इतनी सीट्स जो हैं वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, आपको कुछ डिटेल्स और मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, हर अगर जिस भी पोस्ट के लिए आपको फिल करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक फॉर्म से काम नहीं चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ एनेक्सोर्स दिए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे काम करते हैं या आपका कास्ट क्या है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एनेक्सोर का इस्तेमाल करके अपना सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो अलग अलग सर्टिफिकेट, अलग अलग इसी टाइप का दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं, ये है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है, पहले मैं पार्ट 1 की बात करता हूँ। सबसे ऊपर देखिए एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट, इतना सब कुछ जो है ये सारा का सारा ICMR NJIL भरेगा। आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली ही लिखा हुआ है। यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है और यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे कि पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, DD नंबर, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे भरते हुए चले जाइए। ये सारी की सारी डिटेल्स जब आप भर लेंगे तो आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, आपको यहाँ पे अपने सेल्फ अटेस्टेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे अपने अटैच करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो चालू हो जाता है,
पार्ट नंबर टू में एडमिट कार्ड फॉर टेक्निकल पोस्ट है। जैसा कि मैंने बताया, अभी आप साइन मत करिएगा, साइन जो है वो आपको बाद में करना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये देखिए, टू बी साइन बिफोर द इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे साइन बिल्कुल मत करिएगा, भर दीजिएगा हालांकि। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की ज़रूर होगी। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, परमानेंट पोजीशन है, सबसे बड़ी बात यह है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।